हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए गाजर की बर्फी रेसिपी लेके आए हैं। इसे मुंह में डालते ही ये घुल जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए कितना सुंदर से बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम गाजर ले लेंगे। गाजर को छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसे हम मिक्सर जाल में डाल के पीस लेंगे। गाजर का हलवा तो आपने बहुत बार खाया है, आप बर्फी बना के भी खाइए। 2021 की ये हमारी पहली वीडियो है और आप सबको हमारी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आपका बहुत अच्छा जाए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने गाजर को बारीकी से पीस लिया है, ये देखिए। अब इसे कुक करने के लिए हम पैन में घी गरम करेंगे। घी मैंने यहाँ पे एक चम्मच लिया है, आप घी ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि आपका बर्फी बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनेगा। घी को गरम होने देंगे। अब हम इसमें गाजर के मिक्सर को डाल देंगे और इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। अभी हम इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। आप सबको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे हमें इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है। ये देखिए पानी काफ़ी कम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आप पानी के जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए ढक दे रहे हैं तो आप बीच बीच में इसे चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे सटने लगता है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट और चीनी ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट में आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ काजू, किशमिश और बादाम लिया है। अब हम इन सबको गाजर में डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट को पहले काट लीजिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। चीनी और ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। हमने चीनी डाला है जिस वजह से थोड़ा सा पानी छोड़ेगा गाजर। अब हम इसे थोड़ा सा ढक के इसे पका लेते हैं। बीच बीच में आप चेक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए गाजर का कितना सुंदर कलर आया है। इसे हम चला लेते हैं। देखिए ये कितना अच्छा से बना है। काफ़ी भाप है इसलिए वीडियो धुंधला हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। कैसे इजीली हम लोग घर पे इसे बना सकते हैं और कोई भी मिठाई बनाते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की रेसिपी पसंद है, हम आपके लिए वैसे ही रेसिपी लेके आएंगे। देखिए इसे हमें एकदम चलाते हुए मिक्स करना है। आपको अगर गाजर का हलवा रेसिपी देखना है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे उतार कर थोड़ा सा हल्का ठंडा कर लेंगे। इस तरह का एक प्लेट ले लेंगे और उसे घी से क्रीज कर लेंगे। हमें अच्छी तरह से क्रीज करना है ताकि हमारा बर्फी को जब हम निकालें तो वो आसानी से निकल सके। मैंने प्लेट को अच्छी तरह से क्रीज कर लिया है। अब मैं इसमें गाजर को डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे गाजर को पूरी तरह से ठंडा नहीं किया है। अगर हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। इसी तरह करके हम इसमें अच्छे से हिला लेते हैं। ये देखिए ये हमने सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट छिड़क देते हैं। इस तरह के से आप भी लगा दीजिएगा।
अब हम इसे ऊपर से थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि ये अंदर चला जाए और जब हम इसे कट करें तो ये ना गिरे। अब हम इसे लगभग 4 या 5 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है ना। छः घंटा हो चुका है, अब हम इसे कट करेंगे। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बर्फी बहुत ही अच्छा और टेस्टी है, इसको हम मुंह में डालते ही ये पूरी तरह से घुल जाता है। आज की रेसिपी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।